बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर को कंप्लीट कर लिया था, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर नया चैप्टर अब हम पढ़ते हैं बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोनाइल कंपाउंड में सबसे पहला हमारा क्या होगा बच्चों? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट, इसको हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखिए बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन, आप लोग इसके स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, इसके बारे में मैंने आपको डीपली पहले यूपीएससी नोमेनक्लेचर में मैंने बता दिया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड टर्म टोटोमेरिज्म, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आई होप कि आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ, सबसे पहला हमारा होगा बच्चों पॉइंट, प्रिपरेशन मेथड ऑफ, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अब हम तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ लिया है बच्चों, आई होप कि आपको याद होगा, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है। तो इसी को अब हम एक और बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहां पर ए पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझेंगे कि पहले हम किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो आपका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर होगा। ठीक है, और सबसे पहला मेथड बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर बच्चों यहां पर मैंने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, 1 डिग्री एल्कोहल लिया, मैंने आपको बताया था, अगर मैंने यहां पर प्राइमरी एल्कोहल लिया, प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल लिया, तो 1 डिग्री एल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो ये आपका सीधा किसमें कन्वर्ट होता था? ये आपका सीधा किसमें कन्वर्ट होता था? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता था। लेकिन अभी ये आपका किसमें कन्वर्ट होगा? ध्यान से समझेंगे, अभी आपका कन्वर्ट होगा आपका यहां पर एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड में कब कन्वर्ट होगा बच्चों? जब यहां पर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट? ठीक है, व्हेन वी यूज, लिख देता हूं बच्चों में, व्हेन वी विल यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन 1 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट? अब देखो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके कौन कौन से होंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपका यहां पर पीडीसी, ठीक है, पिरिडिनियम डाई क्लोराइड। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर फेंटोन, फेंटोन रिएजेंट हो जाएगा। फेंटोन रिएजेंट का मतलब FeSO4, और साथ में क्या हो जाएगा? H2O2। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपके कुछ मैंने आपको पहले ही लिखा रखे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा आपका कीटोन में कन्वर्ट होगा, चाहे आपका क्या हो बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो अगर दोनों के प्रेजेंस में आपका किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? वो आपका कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों।
जो मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर वन, ये मेरे पास इस तरीके से, अब ये मेरे पास ओ एच है, इसकी रिएक्शन अगर मैं K2Cr2O7 और H प्लस, ये आपका कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एल्कोहल आपका क्या है, यहाँ पर एल्कोहल आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। अब यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो आप, तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी कंसेप्ट है, एक एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एग्जाम्पल नंबर टू, अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, देखो ये मैंने ओ एच ले लिया है बच्चों, और इसकी रिएक्शन मैंने देखो यहाँ पर K2Cr2O7H+, ये मेरे पास कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर मैंने लिया है बच्चों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो, और यहाँ पर ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा बच्चों, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ना कि आपके एल्डिहाइड में। अगर मुझे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये मैंने लिया यहाँ पर CH3, यहाँ पर मैंने ओ एच, अब मुझे इसकी रिएक्शन मैंने अगर PDC के साथ कराया या फिर मैंने PCC के प्रेजेंस में कराया, तो यहाँ पर भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर भी आपका क्या है बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल है। अब ये 1 डिग्री एल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका CHO, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है, काफी इजी कंसेप्ट है। और ध्यान रहे कि 3 डिग्री एल्कोहल नेवर ऑक्सीडाइज, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल आपका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहां पर एक नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल विल नेवर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, आपका 3 डिग्री एल्कोहल कभी भी आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों इस बात का। तो यहां पर इस तरीके से हमने इस कंसेप्ट को पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से, बस इसमें एक चीज है कि अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो वीक हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, फिर भी वो आपका कीटोन ही बनाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट सेकंड मेथड, सेकंड मेथड काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो देख लेते हैं हम यहां पर सेकंड मेथड, सेकंड प्रिपरेशन मेथड, बाय बाय कैटेलाइटिक, कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखो कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, बाय कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन वर्ड का मतलब आपका क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन वर्ड का मतलब है H2 का रिमूवल होना, क्या होना बच्चों, -H2, मतलब आपका क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, इस वर्ड का मतलब है बच्चों रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। अब H2 का रिमूवल हमको कराना है किसमें बच्चों, एल्कोहल में। देखो यहां पर ध्यान से समझेंगे, ये आपका किसके प्रेजेंस में होगा, Cu और 300 डिग्री सेल्सियस, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा बच्चों, ये आपका ध्यान से समझना। अब देखो किस तरीके से होगा, अगर मैंने यहां पर प्राइमरी एल्कोहल लिया, देखो ध्यान से, प्राइमरी एल्कोहल लिया, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर वन, ये मैंने इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल लिया, CH2OH। अब देखो यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, 1-2 एलिमिनेशन फिनोमिना होता है, ये मैंने आपको वहां लिखवाया था। अब देखो Cu है 3 डिग्री, अब इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये बाय कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब H2 का रिमूवल। अब H2 का रिमूवल वर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन, अब आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो यहां पर अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर अब आपका इस तरीके से,
यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कि सेकंड एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर टू। ठीक है, यहां पर मैं इस तरीके से ये मैंने OH बना दिया। अब यहां पर कितने डिग्री अल्कोहल है बच्चों, यहां पर था आपका 1 डिग्री अल्कोहल, अब यहां पर आपका कितने डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर यहां पर आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैंने CU के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, ध्यान से समझना, यहां से भी हाइड्रोजन रिमूवल होगा, तो अब आपका ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका सिंपली कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर आप देखो, ये आपका कीटोन कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और यहां पर आपका एल्डिहाइड बना। कोई भी इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने का काम आपका है बच्चों। ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ और ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हुआ। जब ये आपका एल्डिहाइड और ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन में, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। मतलब CU के साथ साथ आपको कितने डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ेगा, 300 डिग्री टेम्परेचर। ये भी मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। नाउ अब हम चलते हैं एक नए रिएक्शन की ओर, देखते बच्चों उसको अच्छे से। तो नया रिएक्शन देखते बच्चों, यहां पर थर्ड मेथड ओपनर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। अब देखो ओपन एयर ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे बच्चों, काफी सिंपल है, काफी अच्छा रिएक्शन है और काफी सिंपल है। किस तरीके से हम इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे देखना बच्चों, ध्यान से। इसके लिए हमको जो रिएजेंट लेना पड़ेगा वो क्या होगा, इसके लिए हमको रिएजेंट जो लेना पड़ेगा वो हमारा क्या होगा, एल्यूमिनियम ओ टी ब्यूटी। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं इस तरीके से, टी ब्यूटाइल। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड लूंगा और साथ में मैं क्या लूंगा, कीटोन। साथ में मैं क्या लूंगा बच्चों, कीटोन। अब ध्यान से समझना कि ओपनर ऑक्सीडेशन दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड ओनली 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड ओनली ऑन 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर मैं क्या लिखा रख सकता हूँ बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब ये रिएक्शन आपके 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल पे ही होगा। ठीक है, क्या होगा समझते हैं। अभी पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ। ये देखिए, ये मैंने बना दिया आपका 2 डिग्री अल्कोहल कोई भी। ठीक है, अब यहां पर एल्यूमिनियम ओ, ये आपका टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, और यहां पर मैंने कोई कंपाउंड कीटोन ले लिया, एसीटोन मैंने ले चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये आपका 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को आपको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कैसे, इसका मैकेनिज्म अब हम ध्यान से समझते हैं बच्चों। मैकेनिज्म काफी सिंपल है, मैकेनिज्म काफी सिंपल है, एक बार ध्यान से समझेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आपके पास रिएजेंट ये है, तो एल्यूमिनियम और टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, ये आपका 3 है। सबसे पहले ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। अब ये डिकम्पोज होगा तो आपका किस में कन्वर्ट होगा, एल्यूमिनियम +3 में बच्चों। ठीक है, अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, टर्शरी BO-, ये आपका 3 हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको बाद में हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप ध्यान से समझना बच्चों, कि सेकंड स्टेप में ये जो आपका अल्कोहल का OH है, यहां पर आपका क्या है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब देखो ध्यान से समझना, ये आपका एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल और एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करेगा। देखो इसके पास प्रोटोनेशन है, मतलब प्रोटोन है, मतलब ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो
तो ये आपका किसकी तरफ बिहेव करेगा, एसिड की तरफ। और आप लोग जानते हो कि कभी भी रिएक्शन में सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो एसिड बेस रिएक्शन में ये आपका बेस की तरह बिहेव करेगा और ये आपका एसिड की तरह। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ मूव करेगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होगा। इस स्टेप में आपका क्या होगा, प्रोटोन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन ही बोल सकते हैं या फिर प्रोटोनेशन। अब देखो यहां पर आपको क्या बन जाएगा बच्चों, ओ माइनस, और यहां पर टर्शरी बी यू ओ एच बन जाएगा। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। अब देखो थर्ड थर्ड मैकेनिज्म, बेटा मैकेनिज्म लिखने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप अगर इस मेथड से भी करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेप समझते, देखो अभी तो हमारा कीटोन तो बना नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये है ये आपका इस तरफ, यहां पर आपका सी एच थ्री एसीटोन मैंने लिया हुआ था। अब देखो यहां पर सी एच थ्री, अब यहां पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा, यहां पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ओ माइनस ग्रुप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, माइनस आई के थ्रू भी करता है और माइनस एम के थ्रू भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है तो हम क्या देखेंगे, माइनस आई, मतलब यहाँ पर इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जब इसका माइनस आई इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजेगा और यहाँ से जो हाइड्राइड है वो बाहर निकल के इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो यहाँ से H-, देखो H- को निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं अच्छा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई ग्रुप, सॉरी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अच्छा मैं अगर प्लस आई ग्रुप इसमें डाल दूँ तो यहाँ से हाइड्राइड भी आपका बाहर निकल सकता है। अब देखो यहाँ से मैंने अगर हाइड्राइड को बाहर निकाल दिया, ध्यान से समझना, यहां से अगर मैंने हाइड्राइड को बाहर निकाला तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका कीटोन बन गया। और नाउ अब आप देख देख सकते हो बच्चों आपका क्या बन जाएगा, ओ माइनस और यहाँ पर सी एस थ्री, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आपका क्या बन गया बच्चों, कीटोन। अब देखो यही तो हमको बनाना था, यही तो हमको बनाना था कि क्या हुआ कि सीधा OH ग्रुप आपका किसमें चेंज हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, कीटोन ग्रुप में, ठीक है, यही हमको बनाना था। अब हमको कोई सा भी रिएक्शन मिल जाए तो आप उसको भी देख सकते हो। देखो एक बार और हम है ना मैकेनिज्म को समझते बच्चों दूसरे क्वेश्चन के थ्रू, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर वन, ठीक है, बाकी काफी इजी है। ये देखो ये मैंने OH कर दिया, अगर मैंने यहां पर टर्शरी BuO- यहाँ पर थ्री, यहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया एसीटोन, ठीक है। अभी आपका किस में कन्वर्ट होगा देख लेते हैं, अभी आपका डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होगा, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल में ही होगा बच्चों, ये हमेशा किस में होगा, 2 डिग्री एल्कोहल में। अब हम बच्चों इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैंने क्या था, फिर से अब हम एक बार देख लेते हैं। स्टेप वन में मैंने क्या किया था, इसको मैंने डिसोसिएट किया था। तो देखते हैं बच्चों यहां पर स्टेप वन में मैंने यहां पर एल्यूमिनियम और यहां पर क्या था टर्शियरी BuO3, इसको मैंने डिसोसिएट किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम प्लस थ्री, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों टर्शियरी BuO-, ठीक है, ये आ गया। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यहां पर जो एल्कोहल था, स्टेप सेकेंड फिर से वही वही सी, हाँ ध्यान से समझना, यहां पर इसके पास OH है और यहां पर टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, इसको क्या बोलेंगे टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इसका प्रोटॉन इस तरफ ट्रांसफर होता है बच्चों, आपको जैसा मैंने बताया था। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहां पर ओ माइनस है, यहां पर टर्शरी BuOH हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में अब आपका दूसरा रिएजेंट है,
जो आपका एसीटोन है वो इसमें रिएक्शन करेगा। तो दूसरा रिएक्शन, दूसरा रिएजेंट आपका किस तरीके से रिएक्ट करेगा देख लेते हैं बच्चों। अब देखो स्टेप थ्री में आपका इस तरीके से हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहां पर आपका एसीटोन, ठीक है बच्चों, इस तरीके से था। तो ये आपका अच्छा प्लस आई दिखाने की वजह से यहां से एच ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोन, और साथ में क्या बन जाएगा CH3CH CH3O-। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, जो ये एल्यूमिनियम फ्री है इसके साथ भी जाके जुड़ सकता है। ठीक है, अगले स्टेप में ये जो आपका होगा ये आपका एल्यूमिनियम के साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है। ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों एक रिएक्शन और है जो मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूं कि ओपन और ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा एक और रिएक्शन होता है, मर्विन पोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन। ठीक है, तो अगला मैं नोट डाल के लिख लो बच्चों, यहां पर नोट डाल के यहां पर मैं बता देना चाहता हूँ रिएक्शन बच्चों। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैंने कीटोन में कन्वर्ट किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपनर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपका, लेकिन अगर इस तरफ मूव किया मतलब कीटोन से अल्कोहल मूव किया तो यहां पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मर्विन पोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मर्विन पोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको इस तरफ मूव करेंगे तो मर्विन पोंड्रोफ वर्ली, या फिर इसको शॉर्ट में MPV रिएक्शन, और ये आपका ओपन और ऑक्सीडेशन, तो मतलब जस्ट उल्टा होता है। लेकिन अब हम यहीं पर समझ लेते हैं बच्चों मर्विन पोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन को, मर्विन पोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन, ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको, मर्विन पोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ यहां पर क्या होगा बच्चों, सिंपल मैं वैसा ही एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये आपका इस तरीके से, यहां पर आपका OH होगा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, पहले तो कीटोन में था ना, हाँ ये आपका कीटोन में है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कीटोन आपका 2 डिग्री एल्कोहल में, जस्ट उल्टा रिडक्शन है, मुझे आपको ये एल्कोहल में बताना चाहिए था, लेकिन यहां पर मैंने यहां पर इसलिए बताया कि मुझे पहले ये वाला रिएक्शन में आपको बताता, देन आफ्टर ये वाला रिएक्शन में आपको इजिली बता रहता। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन लूंगा, यहां पर आपका एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, मैं यहां पर रिएजेंट लूंगा। उसके बाद मैं क्या लूंगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद मैं यहां पर देखो यहां पर क्या था, एल्कोहल था तो मैंने एसीटोन लिया था रिएजेंट। ठीक है, टर्शरी नहीं लेंगे यहां पर, ध्यान से समझेंगे, मैं यहां पर लूंगा एल्यूमिनियम यहां पर इस तरीके से प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल वाला लूंगा, कौन सा लूंगा, आइसो प्रोपाइल वाला, और यहां पर आइसो प्रोपाइल एल्कोहल लूंगा। देखो यहां पर कीटोन लिया है तो यहां पर एल्कोहल लिया, आइसो प्रोपाइल वाला, ठीक है, लेकिन वहां पर मैं क्या लेता था, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन को कराएंगे, और यहां पर रिएजेंट क्या होगा, आइसो प्रोपाइल वाला होगा, और टर्शरी ब्यूटाइल आपका किसमें होगा, ओपन ओर में होगा, बस इस बात को ध्यान रखो बच्चों। अब देखो कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इसका मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म हम कैसे लिखेंगे, समझना बात को, अगर मुझे इसका मैकेनिज्म लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सिंपल समझेंगे, सबसे पहले ये आपका इस तरीके से, ठीक है, अब सबसे पहले आपका यहां पर भी क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। सबसे पहले इसको डिसोसिएट करना भूल गए हम लोग, इसको डिसोसिएट कर लेते हैं। देखो ये इस तरीके से होगा,
अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो यहाँ पर क्या जाएगा फर्स्ट स्टेप में, एल्यूमिनियम प्लस 3, यहाँ पर ओ माइनस, यहाँ पर इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है सिंपल, ठीक है आइसो प्रोपाइल ऑक्साइड बन गया। अब देखो आइसो प्रोपाइल ऑक्साइड आपका आ गया तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, वो तो कहता है स्टेप फर्स्ट। अब देखो स्टेप सेकंड में आपका क्या होगा कि ये आपका अटैक करेगा इस पर। देखो अब ध्यान से, ये आपका इस तरीके से था, ठीक है। अब यहां से ये आपका अटैक करेगा तो यहां पर देख लेते हैं, ये आपका ओ माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, हाइड्राइड होगा। अब देखो ये आपका क्या शो कर रहा होगा, ये आपका अच्छा प्लस आई ग्रुप, अभी भी बताया था अच्छा प्लस आई ग्रुप शो करने की वजह से ये आपको यहाँ जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तो आपको क्या बनेगा बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर आपका इस तरीके से ओ माइनस बन रहा है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका इस तरीके से, यहाँ पर आपका एसीटोन बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहले पोर्शन की बात। अब दूसरे पोर्शन में मुझे इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ भी तो करानी है बच्चों। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में तो देखते हैं बच्चों, अब हम स्टेप थर्ड में, तो स्टेप थर्ड में किस तरीके से आपका रिएक्शन होगा उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर एसीटोन, यहाँ पर आपका क्या बना था, ये बना था। अब देखो यहाँ पर आपका सिंपली कौन सा रिएक्शन होगा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका सिंपली होगा एसिड बेस रिएक्शन, ये वाला प्रोटोन आपका यहाँ ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर आपका O माइनस, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्विन पोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा और यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम O, ठीक है एल्यूमिनियम यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ओ ये आपका इस तरीके का वापस से कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का रिएक्शन आपको इस तरीके से हम इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है। ठीक है मतलब ध्यान रखना, अगर मैं एल्कोहल से कीटोन जाऊंगा तो ओपन और ऑक्सीडेशन, और कीटोन से अगर मैं मर्विन कीटोन से अगर मैं एल्कोहल जाऊंगा तो मर्विन पोंड्रोफ वर्ली, मतलब जस्ट उल्टे रिएक्शन है बच्चों, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ठीक है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो अगर बच्चों यहां पर ये मेरा रिएक्शन है, ठीक है अब यहां पर मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये अगर इस तरीके से होगा, यहां पर रुकिए, तो यहां पर मैंने लिया CH2OH, ये मैंने लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई कि किसके साथ बच्चों, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड, और यहां पर मैंने क्या लिया, अल्कोहल ले लिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, या तो मैंने ऐसा ले लिया। अब नेक्स्ट मैं एक और चीज बोलता हूं कि अगर मैंने एक और एग्जांपल, ठीक है यही मेरा एग्जांपल है, तो यहां पर मैंने ये ले लिया CH2OH, और यहां पर मैंने OH ले लिया, और यहां पर मैंने लिया बच्चों टर्शरी ब्यूटोक्साइड, यहां पर थर्ड, और यहां पर एल्यूमिनियम, और यहां पर एसीटोन। ठीक है आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि आपका मर्विन पोंड्रोफ वर्ली है या फिर आपका कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो आपका रिएजेंट है वो कौन सा दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपका रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहले उसको समझेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक और एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है एल्यूमिनियम O3OH ये आपका, और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपका ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया OH, इतना काफी है बच्चों, इतने में ही हम समझ जाएंगे, ठीक है इतना काफी है। देखो ये वाला क्या आपका रिएक्शन होगा बेटा, ये आपका क्या था, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला था, ना कि एल्कोहल को कीटोन में, तो ये आपका रिएजेंट नहीं है। ठीक है अब यहां पर रिएजेंट को पहचानो, ये आपका किसका रहा, ये आपका मर्विन पोंड्रोफ वर्ली का है, और मर्विन पोंड्रोफ वर्ली का काम क्या है, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना, ना कि एल्कोहल को अब वो एल्कोहल में थोड़ी ना कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये मर्विन पोंड्रोफ वर्ली का है, ये भी आपका मर्विन पोंड्रोफ वर्ली, मर्विन पोंड्रोफ वर्ली का मतलब कीटोन को एल्कोहल में, देखो यहाँ पर कीटोन है, अब ये यहाँ पर कीटोन ग्रुप को सीधा हटा के हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम
सीधा यहाँ पर सी एच ओ एच एल्कोहल लगा देंगे और यहाँ पर सी एच थ्री, बस सिंपल। ठीक है, अब ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका ओपेनोर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओपेनोर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ओपेनोर ऑक्सीडेशन आपका कहाँ पर होता है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए होता है केवल। ये तो आपका क्या है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पर ओपेनोर ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, आपका कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पर आपका ओपेनोर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मर्विन पॉडरॉफ वर्ली और ओपेनोर ऑक्सीडेशन को अच्छे से समझा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, रिएक्शन विद MnO2। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट रिएक्शन होगा लास्ट। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय MnO2 CH2Cl2, ये भी लिखा हो सकता है या फिर सिंपली आपको क्या दिया हो सकता है बच्चों, और करके लिख देता हूँ, MnO2 भी दिया हो सकता है। अब इससे रिडक्शन की खास बात, ऑक्सीडेशन की खास बात है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमेशा से 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो हमेशा आपका किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो हमेशा आपका किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। जैसा कि आप स्टार्ट से जान रहे हो ये बात। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या होगा कि कंडीशन होगा, ठीक है, MnO2 विल कन्वर्ट ओनली अलाइलिक, ध्यान से समझना बच्चों, अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल इंटू एल्डिहाइड एज वेल एज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक 2 डिग्री एल्कोहल इंटू कीटोन। मतलब आप समझ गए होंगे कि केवल और केवल किसको करेगा, ये केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन ये जो नो दोनों जो अल्कोहल होने चाहिए या तो वो अलाइलिक या फिर आपके बेंजाइलिक पोजीशन पे हो, तो ये आपका उसी को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल को समझते बच्चों ध्यान से। तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखो, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, देखो ध्यान से समझेंगे, यहां पर OH, यहां पर CH2OH, ठीक है, जहां पर सी डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ एच सी एच थ्री। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां पर मैंने ले लिया MnO2। अब देखो MnO2 किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, सिंपली समझते हैं। देखो ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा होगा, एक बार आप लोग करो, देखो पॉज करो वीडियो को और फिर इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, देखो अब इसमें कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों, सिंपल, देखो ये आपका कौन सा है, ये आपका, देखो ये आपका बेंजाइलिक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको, ये आपका बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक कौन सा है बच्चों, ये आपका बेंजाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, देखो ये वाला कार्बन है, कार्बन वाला ग्रुप आपका बेंजीन से जुड़ा है, डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होगा वो तो आपका फिनोल हो जाएगा, ये आपका ना तो बेंजाइलिक है ना तो एलाइलिक है। अब जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 से जुड़ा है, sp3 वाला कार्बन अगर आपका sp2 से जुड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक, तो ये आपका कौन सा हो गया, अलाइलिक, और ये अलाइलिक कौन सा हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से समझेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब अलाइलिक 2 डिग्री अल्कोहल आपको किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में, आपको डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड को आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप देखो यहां पर आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH, यहां पर CHO आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पर रिएक्शन को प्रोग्रेस कराना है। ठीक
ठीक है बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों, ये आपका सेलेक्टिव है। देखो अगर अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन नहीं होगा तो MnO2 ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं होगा तो MnO2 आपका ऑक्सीडाइज ही नहीं करेगा। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH OH और यहां पर भी मैं लगा देता हूँ OH। ठीक है बच्चों, ये आपका इनोल, ठीक है लगा दिया, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है लगाने में। ठीक है, यहां पर लगा दिया और यहां पर CH3, ठीक है यहां पर मैं कर देता हूँ इसको इससे कनेक्ट, ठीक है बेंजीन से। आप देखो यहां पर CH2, ये मेरा OH लगा दिया, यहां पर मैंने CH2OH लगा दिया और यहां पर मैंने OH लगा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपको इसमें बताना है कि MnO2 के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो किस तरीके से आपको होगा। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है बच्चों, अलाइलिक और बेंजाइलिक। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक कैसे पहचानेंगे, देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, sp3 से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये वाला जो आपका अल्कोहल होगा वो आपका अलाइलिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला आपका विनाइलिक अल्कोहल होगा। कौन सा होगा, विनाइलिक अल्कोहल, नाम ध्यान रखो बच्चों। तो ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल, ये वाला आपका विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ये वाला आपका फिनोलिक, ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, फिनोलिक अल्कोहल हो जाएगा बच्चों। और ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका बेंजाइलिक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, बेंजाइलिक, और ये वाला भी आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये वाला भी आपका कौन सा होगा, बेंजाइलिक। अब मैंने आपको बताया था कि MnO2 केवल और केवल आपके किसको ऑक्सीडाइज करेगा, बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज करेगा, या तो आपके बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज करेगा या फिर आपके अलाइलिक को। ठीक है, ना तो आपके फिनोलिक को करेगा ना तो आपके विनाइलिक पोजीशन को करेगा। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा CH2, यहां पर CH डबल बॉन्ड CHOH, यहां पर ये 2 डिग्री है तो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर आपका इसको तो कन्वर्ट नहीं करेगा, अब ये आपका इसको कन्वर्ट करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CHO, यहां पर क्या बन जाएगा, CHO मतलब एल्डिहाइड। 1 डिग्री है ना, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में, ये आपका 2 डिग्री है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पर रिएजेंट का यूज करना है, खास तौर से आपको यहाँ पर रिएजेंट को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अल्कोहल से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, एल्केन के ऑक्सीडेशन से हम किस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्केन से हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।